ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् तथो जयं उदीर ये श्रृण्वता स्वथा कृष्ण पुण्यश्रमणकीर्तन विदुनोति भद्राणी नष्टे युव भद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवतुतम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि ओम अज्ञाति मीरांदानाजनशलाकया चक्षु उन्मीलिम ये नस्में श्रीगुरव करोति वाचालं पंगु लंगयते गिरीं यत्कृपा वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर कृष्ण हरे हरिकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरि राम हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भुक्त वृंद का स्वागत है हम सभी यहाँ पर स्कंद तीन अध्याय उन्तीस के भाग चार में आज एक सौ निन्यानवे सत्र है ये वन नाइन सेशन है श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रवण पठन और समझने की इस प्रक्रिया में परस्पर भक्तों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृपा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रोपात के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो अठारह हजार श्लोकों की इस श्रृंखला में इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद तीन अध्याय उन्तीस की समाप्ति पर हमारे जो श्लोक है उनकी संख्या बारह हो जाएगी बारह सौ चौवन श्लोक स्कंद तीन के अकेले हैं और बारह सौ एक श्लोक हैं स्कंद एक और स्कंद दो के मिला के तो इस प्रकार करीब करीब चौबीस सौ पचपन श्लोक हम लोग इस अट्ठारह हजार श्लोक की श्रृंखला में श्रवण कर पाएंगे तो आरंभ करते हैं स्कंद तीन अध्याय उन्तीस श्लोक संख्या चौबीस से मेरा सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है हमेशा की तरह जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करें अन्य सभी के लिए यहाँ पर श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं संस्कृत के इन श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें भगवान का नाम रूप लीला गुण और स्वयं भगवान ये सब भिन्न नहीं है ये अभिन्न है तो श्लोक संख्या चौबीस से आरंभ करते हैं अहम उच्च अवच द्रव्य अना अनघे

हे माते भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा पूजा करता हो किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करे मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता तो ये जो विषय चल रहा है बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्रों में हमने जो श्रवण किया है माता देवहूति के प्रश्न है कपिल भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं कपिल भगवान भक्ति के प्रकार विभिन्न श्रेणिया तपस्या के लिए आवश्यक विधि पद्धति किस प्रकार के वर्ण और विभाग में क्या संस्तुति की गई है शास्त्र में और कर्मों की और विशेष रूप से पिछले सत्र में जहां हम श्रवण कर रहे थे कौन से विधि और कार्यों से भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं होते तो आप कहने के लिए भक्त हो सकते हैं लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त नहीं है भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं जो केवल एक तुलसी पत्ती जल भगवान को अर्पित करता है लेकिन किससे नहीं प्रसन्न होते जो भक्ति का स्वांग करता है तो भक्ति का स्वांग करने का अर्थ हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या तेईस में किया था श्लोक संख्या चौबीस उसी के उसी का एक्सटेंशन है उसी के आगे का भाग है जहां पर बता रहे हैं भगवान की यदि आप प्राणी मात्र में जीव मात्र में भगवान की परमात्मा की उपस्थिति का दर्शन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं कि वास्तव में भक्ति समझने के लिए कई जन्म लग जाते हैं जब तक कि उनके ऊपर कुछ कृपा ना हो किसी साधु संघ की भक्तों के संग की भगवान के प्रेम की तब तक उन्हें ये समझ में नहीं आ सकता क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ कपिल भगवान कोई कितने भी अनुष्ठान और सामग्री द्वारा मेरी पूजा करे लेकिन यदि वो समस्त प्राणियों में, में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है तो एक भक्त निश्चित रूप से एक परोपकारी होता है भक्त निश्चित रूप से मानवतावादी होता है जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा था शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कहने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन के चौसठ प्रकार होते हैं विविध प्रकार होते हैं कुछ कम मूल्यवान कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भगवत गीता में जैसा मैंने कहा भगवान ने कहा है कि वो तो एक फूल और फल से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं शिल प्रभुपाद उसे पुनः कहते हुए कहते हैं वास्तविक प्रयोजन ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति को प्रकट करना है वस्तुएं तो है। तो यदि भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हो पाया है, यदि भगवान के प्रति जीवन में प्राणी मात्र के प्रति करुणा नहीं आ पाई है तो भगवान किसी भेंट को स्वीकार नहीं करते और शिल प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है भगवान को घुस नहीं दे सकते रिश्वतखोरी नहीं कर सकते भगवान के साथ हमारे घूस का भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है मेरी दस हजार की नौकरी लगी है मैं आपको सौ रुपए का फल चढ़ाता हूं मेरे आ, कुछ भी कुछ भी जिस भी तरह का भगवान के साथ हम लेन देन की बात करें भगवान इससे कभी प्रसन्न नहीं होते कभी प्रसन्न नहीं होते भगवान की प्रसन्नता और भगवान द्वारा हमारी इच्छा पूर्ति ये दो अलग अलग विषय है ये हमें स्मरण रखना चाहिए हमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान वो जो कर्म की गणना होती है त्रिकोण हम हमेशा चर्चा करते हैं भगवत गीता के सत्र की कि हमारे प्रारब्ध की गणना के अनुसार संस्तुति और निरस्ती करना भगवान द्वारा और भगवान का हमसे प्रसन्न होना ये दो अलग अलग विषय हैं प्रसन्न तो भगवान गोपियों से थे प्रसन्न भगवान नारद मुनि से थे प्रसन्न भगवान छोटे पांच वर्ष के ध्रुव से थे क्या दे सकते थे वो प्रसन्न तो भगवान नारद मुनि जब पिछले जन्म में थे तब भी उनसे प्रसन्न थे हर वस्तु तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं कंपैशन जो स्नेह कहा जाता है जैसे और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता किसी भी मानवीय संबंध में जो संबंधी शुभ चिंतक परिवारिक जन्म से जुड़े हुए यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम और कृतज्ञता अर्पित करता है तो ऐसे गृह में भगवान की कृपा सदैव बरसती है नारियों के लिए स्त्रियों के लिए कहा यत्र नारियस्तु पूजे रमनते तत्र देवता तो भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते भगवान के पार्षदों को हम कुछ नहीं दे सकते वास्तव में हम जो सिर्फ दे सकते हैं वो प्रेम और कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं और यदि ये कृतज्ञता ये ईश प्रेम शुद्ध भक्त द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये जानते हुए कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं तो ऐसे भक्त से भगवान सदैव प्रसन्न रहते शिले प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम पंक्तियों में कहा है यदि हमें भक्ति भाव नहीं है और भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है तो ऐसी अवस्था में हम भगवान को स्वीकार कोई भी वस्तु भेंट करें उसका कोई व्यर्थ महत्व नहीं रह जाता है तो भगवान को तो असली प्रेम और भक्ति ग्राह है जैसे कोई व्यक्ति भूखा नहीं और हम उसे विविध प्रकार की भोज्य सामग्री दे वो उसके लिए व्यर्थ है उसी प्रकार से यदि हमें भक्ति भाव नहीं है और हम भगवान के विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित कर रहे हैं पिछले तो प्रोपात कहते हैं इसका कोई महत्व तो नहीं है तत्पश्चात श्लोक संख्या पच्चीस में अर्चा आदो अर्च ये ईश्वर मा स्वकर्म कृत येद स्वृदी सर्वभूतेषुअवस्थित मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ ही अन्य जीवों में के में के हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए तो कई बार ये प्रश्न होता है क्यों इन नियमों का पालन करना भक्ति में इतने नियम है कई बार लोग कहते हैं इस कौन के नियम इतने कठिन है शिल प्रभुपात ने इतने कठिन नियम बनाए बात कठिन नियमों की नहीं है बात सतत अभ्यास की है जिस चीज की जिस सुख सूत्र की आ, किसी किसी भी हम नियम की बात करें जिसका हम अभ्यास करते हैं उसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं अभ्यास से हमें सिद्ध हस्तता प्राप्त होती है तो इसलिए भक्ति के नियमों के अभ्यास की बात की गई और इसलिए शिल प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान कपिल ने यह कहा है निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करना चाहिए जब तक अपने हृदय में और अन्य समस्त जीवों में भगवान कपिल कहते हैं कि मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए तो दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में में सरल यदि हमें समझना है, तो मनुष्य को अपने कर्तव्य को सही सही निभाना चाहिए कर्म फल भगवान को अर्पित करना चाहिए यदि इस बात का संशय है कि क्या सही है और क्या गलत है इसकी स्पष्टता नहीं है तो किसी अः जन से किसी भक्त से किसी गुरु के आश्रय में इसकी उचित जानकारी जिज्ञासा निवेदित करनी चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि कर्म ठीक से निभाया जा रहा है नहीं नहीं जैसे कहा गया मेहनत करना चाहिए अब इसका अर्थ है कि हम अपने दोनों हाथों से दीवार को हिलाने का प्रयास करें दीवार नहीं हिलेगी हम पसीने पसीने हो सकते हैं हम थक सकते हैं पर दीवार नहीं हिलेगी तो श्रम कहाँ करना है श्रम कैसे करना है किन कार्यों में श्रम करना है इन सब का सही सही ठीक से ज्ञान होना चाहिए अन्यथा व्यर्थ ही श्रम भी चला जाएगा और जीवन का महत्व भी खत्म होता चला जाएगा तो स्वकर्म कृत जो शब्द यहाँ पर कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्म को करता है एक माँ के रूप में पुत्री के रूप में एक पत्नी के रूप में एक ऑफिसर के रूप में एक सामान्य नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्म है ये तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान है इसी प्रकार एक पति के रूप में भाई के रूप में किसी भी संबंध में पुत्र के रूप में माता पिता के रूप में और पुनः सामान्य नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं क्या निर्दिष्ट कर्म हैं, इतनी सारी जंगर जंगर, ये करनी है भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में भी बनी होती है तो हमें इसमें संशय नहीं रखना चाहिए हम व्यवहार के द्वारा ये अनुभव अर्जित कर सकते हैं कि करणीय और अकरणीय का अंतर जीवन में जब आ जाता है तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है और उन कर्मों को करते हुए उनका फल भगवान को समर्पित है मैंने इस पुत्र का पालन किया इस पुत्री का पालन किया इसलिए इनको मेरी सब बात सम, सुननी समझनी चाहिए नहीं हम अपना उत्तरदायित्व निराशक्त युक्त कार्य करेंगे यदि हमारी शिक्षा यदि हमारी पद्धति सही है तो पुत्र और पुत्री या माता या पिता या संबंधी या सेवक या सब अपनी अपनी जगह पर भगवान द्वारा दी गई प्रेरणा से निश्चित रूप से कार्य करते हैं हमें केवल अपने हृदय की शुद्धि करनी होती है अध्याय पांच कहता है कि भग... समस्त कार्यों को भगवान के निमित्त मात्र बनकर करने से अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए करने से जब हमारे हृदय की जब हमारी चेतना की वो अवस्था आ जाती है तब हम निष्काम कर्म योग में प्रवीण हो जाते हैं और निश्चित रूप से भगवान योग क्षेम भगवान ऐसे भक्त की टेक केयर करना भगवान ऐसे भक्त का ध्यान करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है हम अपना कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य करेंगे जो भगवान हमें कैसे कार्य करने चाहिए इसकी आचार संहिता दे रहे हैं उनको कौन ये बता सकता है कि उन्हें कैसे करना चाहिए और यदि हम अपना कार्य धन से कर रहे हैं तो हम इस बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं कि भगवान को क्या करना है ये भगवान भूल जाएंगे कदापि नहीं भूलेंगे कदापि नहीं भूलेंगे क्या ये आसान है उत्तर पुनः है नहीं आसान नहीं है बहुत ही गुणों के संसर्ग में रहते हुए ये कठिन है कई बार बहुत हताशा होती है निराशा होती है हतोत्साहित होते हैं लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहना चाहिए समय का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है स्व बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए रहना चाहिए भक्ति के बहाने कभी किसी को आलसी नहीं बनना चाहिए अध्याय दो अध्याय तीन अध्याय चार अध्याय पांच भगवत गीता में श्लोकों में तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं भक्त कभी आलसी नहीं होता कभी आलसी नहीं होते ये सब बिल्कुल व्यवहारिक बिंदु है हम तो भक्ति कर रहे हैं हम तो माला कर रहे हैं कई बार बहुत ही मीठी आलोचना भी मिलती है जब भक्त आते हैं हैं और बताते हैं कि यदि घर में उन्होंने बड़े माता पिता जो को प्राप्त माता पिता पिता जो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त उनको यदि उन्होंने माला करने की सलाह दे दी तो जिस समय कतिपय छोटे मोटे काम रहेंगे या जिस समय जिस समय वो कुछ और नहीं करना चाहते उस समय वो कह देंगे कि वो माला कर रहे हैं तो हमें हमें कभी भी अपने आप को बहाना ढूंढ के भक्ति नहीं करनी चाहिए या भक्ति करने के लिए बहाना ढूंढने की बात इस इस प्रकार के आचार्य हमें सत्य का पालन करना है अभी आगे के श्लोक में ये सारे बिंदु आएंगे श्लोक संख्या 26 में श्री प्रभुपाद भगवान कपिल के शब्दों की व्याख्या करेंगे तब यहाँ पर और स्पष्ट होगा श्लोक संख्या 26 में कहते हैं करोत्यंतरोदरम तस्य भयमुल्बणम जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ भक्त अभय होता है भय और अभय दोनों के स्रोत भगवान है भगवत गीता में भयासी विभूतियां जहां भगवान ने अध्याय दस में बताई है वहां भगवान कहते हैं भय का स्रोत भी मैं ही हूँ अभय अभय का स्रोत भी मैं ही हूँ लेकिन जो अपने में और अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण भेदभाव करते हैं उनके लिए मैं भय बनकर आता हूँ मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान तो भगवान समस्त प्रकार के जीवों में आत्मा और परमात्मा दोनों रूप में विद्यमान है और जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण इस पंक्ति को अक्षरशः अपने स्मृति में धारण करना होना चाहिए तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में अथ ्याभ चक्षुसा अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूं तो ये भगवान श्लोक संख्या 21 से लेकर 27 तक भक्ति में कौन से अपराध हो सकते हैं और उन अपराधों से समाधान क्या है उसके बारे में बताते हैं कि लोगों को ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए क्योंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं तो ये जो आत्मा है वो परमात्मा के समकक्ष हो गई नहीं पानी की एक बूंद महासागर नहीं है तो दान तथा सत्कार के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण करते हुए सबों पर एक जैसी दृष्टि रखते हुए मेरी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में निवास करता हूं तो भगवान कितनी सुंदर व्यवहारिक सीख दे रहे हैं यहाँ पर एक स्वस्थ सामाजिक या ना... पारिवारिक संरचना की बात करें तो यदि हम क्या कर रहे हैं दान कर रहे हैं सत्कार कर रहे हैं प्राणी मात्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से आचरण करते हुए सब मिलकर भगवान की पूजा कर रहे हैं राम राज्य की बात हो रही है यहाँ पर तो क्या होता है भगवान उनसे अति प्रसन्न होते हैं अति प्रसन्न मान तथा दान मान श्रेष्ठ होने का सूचक है दान कनिष्ठ पर दया दिखाना है तो शिल प्रत ने इन दो शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया दान तथा मान दान का अर्थ हुआ कि जो हमसे दरिद्र हो जो हमसे किसी प्रकार की करुणा की आकांक्षा रखते हों हमें उन पर दयालुता का भाव रखना चाहिए और जो श्रेष्ठ है उनका सत्कार करना चाहिए तो जब हम दो ये दो करने के साथ और क्या है मैत्रीपूर्ण आचरण करते हुए सबके साथ समान सब पर समान दृष्टि रखनी चाहिए शिल प्रभुपात इस दान और मान शब्द को और आगे विस्तार देते हुए कहते हैं जैसा हमने पिछले सत्र में भी कहा था हानि लाभ जीवन मरण यश विधि हाथ वशिष्ठ मुनि ने ये पंक्ति बोली है तुलसीदास जी की रामचरित मानस में भरत को जब वो लौटते हैं और अपने ननिहाल से और महाराज दशरथ के मृत्यु के अपयश का जो कलंक है वो अयोध्यावासी बटे बटे स्वर में ही पूरे पूरे संवेद स्वर में नहीं कोई कहते थे भरत बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कोई कहते थे नहीं नहीं माँ ने अगर वरदान मांगा है तो निश्चित रूप से भरत की भी कुछ तभी ही इच्छा होगी कोई कहते थे कोई हम ऐसा सोच भी नहीं सकते अः भरत तो भगवान के भगवान राम के चरणों में रहने वाले सेवक हैं वो कभी भी ऐसी अः उश्छलता ऐसा इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे और वशिष्ठ के पास जब भरत पहुंचते हैं तब वशिष्ठ ने ये पंक्ति कही है लाभ जीवन मरण यश अपयश तो ये, ये जो हमें धनी होना निर्धन होना दान देने की पात्रता हमारे पास है कि दान लेने की पात्रता हमारे पास है ये सब प्रारब्ध से हमें मिल रहा है लेकिन परमेश्वर परमात्मा के रूप में जीव मात्र में दर्शन करना भगवान का ये हमारे स्वयं के हाथ में है तो एक जो सरल पंक्ति कही जाती है हमेशा इतनी ज्यादा आचार संहिता और मानवीय बिंदुओं पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि भक्ति व्यवहार परक है भक्ति हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों में व्यवहार में करनी होती है और भगवान कपिल इसीलिए सांख्य शास्त्र बताते हुए उसको विज्ञान कैसे बनाएं इस ज्ञान को वैचारिक रूप से जो हमने श्रवण किया है तो भक्ति ऐसा नहीं है हम हमेशा अर्ध ध्यान योग था और जिसे अव्यवहारिक कहा है अर्जुन ने गीता में और माता देवहूति ने यहाँ पर कहा है कि आपने ये ज्ञान बताने के बाद भी कहा कि भक्ति सभी योग की चरम परिणति भक्ति है तो भक्ति कैसे करें और इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं कि एक जो सरल पंक्ति है सरलतम पंक्ति श्ल ने का हम अपने साथ जो व्यवहार नहीं चाहते वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए चाहे वो कर्म के रूप में हो चाहे वो विचार के रूप में हो जजमेंटल होना हो निर्णयात्मक होना हो जो हम अपने साथ नहीं चाहते वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार 21 से 27 श्लोकों की ये जो श्रृंखला थी जिसमें भक्ति में कौन से अपराध हो सकते हैं और उनका समाधान क्या होना चाहिए वो बताया गया तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 से लेकर 34 तक जीवों के स्तर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है हमने भक्ति की विभिन्न श्रेणियां और स्तर पढ़ा था श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 तक 28 से 34 तक जीवों का स्तर क्या है जीव अः कितने प्रकार के हो सकते हैं जीव के व्यवहारों के अनुसार जीव के आचार के अनुसार उसको हम यहाँ पर श्रवण करें श्लोक संख्या अठाइस में जीवा श्रेष्ठा जीवा नाम तत प्राणृत शुभे तत सचिता प्रवरा ततः चेंद्रिय वृत्त हे कल्याणी माँ जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ हैं इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है तो ये क्रमिक विकास बताया जा रहा है ये डार्विन के सिद्धांत का विकास नहीं है ये ब्रह्मा जी की संरचना के जिसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर आते हैं उसका क्रमिक विस्तार बताया गया है यहाँ पर क्या कहा गया है जीवात्माएं अचेतन अचर जिसमें आत्मा नहीं है प्रकृति के समस्त अवयवों में भगवान है पर जिस आत्म तत्व की बात हो रही है वो जीवात्मा अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है इन जीवात्माओं में जिनके जिनमें जीवन के लक्षण हैं वे श्रेष्ठ हैं जैसे जो फफूंदी होती है उसको भी उसमें भी वो अचर नहीं है वो जीवात्मा कही जाएगी लेकिन जीवन के लक्षणों से युक्त हम उसको आ, गतिशील गतिमान आ, कई प्रकार के ऐसे लक्षण कहे जा सकते हैं जो उनमें हमें इतने दृष्टिगोचर नहीं होंगे तो जी, जीवन के लक्षणों से और इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं। तो ये पेड़ हो गए वृक्ष हो गए ये बढ़ते हैं पर चलते नहीं है तो इनसे श्रेष्ठ कह दिया गया चेतना के स्तर पे बात की जा रही है पशु श्रेष्ठ है कम से कम कम से कम गाय हो गई घोड़े हो गए हमने अनेकों कथाओं में पढ़ा है कि उनकी जो चेतना होती है अपने स्वामी के साथ वृंदावन में एक गौ माता के संरक्षक बाबा जी की कहानी है बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं वास्तव में घोड़े के घोड़े के स्वामी के रूप में हमारे स्वयं हमारे वीर गाथाएं हैं तो ये जो पशु है ये श्रेष्ठ है तो पशु से श्रेष्ठ हुए हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है तो अर्थात मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है मनुष्यों से ऊपर देवताएं देवताओं से ऊपर अन्य जीव जो बताया गया है ब्रह्म लोक तक उनका वर्णन किया जाए तो क्रमशः इंद्रिय अनुभूति का अर्थ होता है यदि शेर शिकार नहीं करेगा तो वो भूखा मर जाएगा विचार करके देखिए यदि शेर शिकार नहीं करेगा तो वो भूखा मर जाएगा मनुष्य के हाथ में है इंद्रिय अनुभूति की चेतना की उसको जीवन रखने के लिए शेर का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि शेर आपके ऊपर आघात ना कर रहा हो प्रहार ना कर रहा हो उसकी बात नहीं की जा रही है तो इसलिए जो जीव का सम्मान है जो दान है जो मैत्री है ये सब अनुभूति है एक परस्पर सम्मान देना सत्कार करना दो दो टमाटर के वृक्ष एक दूसरे को परस्पर सम्मान सत्कार मैत्री अः ईर्ष्या जलन ये अनुभूतियां होती होंगी पर किस रूप में अभिव्यक्त होती है हमें नहीं पता क्योंकि इंद्रिय अनुभूति हमें विकसित रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती पर मनुष्यों की अनुभूतियां हम आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं तो यहाँ पर उस स्तर को दिखाया जा रहा है जीवों के स्तर के लिए आरंभ करते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि ये भिन्न भिन्न चेतना के स्तर के अनुसार है शिल प्रोपात ने इसी शेर के उदाहरण में आगे कहा है कि भाई शेर एक जीव है भगवान कांश है परमेश्वर इसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं पर क्या हम शेर से स्वाभाविक मित्रता कर सकते हैं नहीं कर सकते शेर से हमें भिन्न व्यवहार करना होगा जंगल में रहने वाले अनेक संतजन शेरों के साथ तो मैत्री भाव नहीं रखते लेकिन वे उन्हें प्रसाद देते हैं शेर आते हैं प्रसाद लेते हैं चले जाते हैं वैदिक प्रथा के अनुसार तो कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने दिया जाता उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहे दयालु गृह स्वामी घर से प्रसाद लाकर इन्हें देता है वे खाते हैं और चले जाते हैं शिल प्रोपाद ने यह तात्पर्य में लिखा है तो किस वस्तु का किस कितनी उन्नत चेतना का किस प्रकार से प्रयोग करना है इसकी शिक्षा हमारे वैदिक शास्त्रों में प्रस्तुत है समता का भाव होना चाहिए पर व्यवहार करने में भेद होना चाहिए तो कैसा व्यवहार में भेद होना चाहिए इसको शिल प्रभुपात कहते हैं अगले छह श्लोकों में हम इसको श्रवण करेंगे कैसे कहते हैं श्लोक संख्या उन्तीस में तेदिभ्य वे प्रवरारस वेदि तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठ ततः शब्दविद इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं हैं इनमें इनसे भी श्रेष्ठ वे जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवण इंद्रिय विकसित हो चुकी है तो ये जो इंद्रिय विकसित होने की अनुभूति के बारे में कहा जा रहा है जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि वृक्ष देख सकता है वृक्ष सूंघ सकता है तो शिल प्रभुपाद कहते हैं इससे अनुभूति के विकास का संकेत मिलता है इसी प्रकार कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान अगर व्यवधान दिखता है तो वो अपनी वृद्धि की दिशा बदल सकता है हमने देखा है कई कही बार कहीं से ऐसे अंकुर कोपले फूट पड़ती हैं किसी सीमेंट कंक्रीट ईट और और फिर उसके पश्चात वो अपनी दिशा भी उसी प्रकार से मोड़ लेते हैं वृक्ष तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो अनुभूति स्तर है उसके अनुसार तो सबसे श्रेष्ठ कहाँ किसको कहा गया सबसे श्रेष्ठता के क्रम में सबसे नीचे से किसको आरंभ कहा गया जिसने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है वो स्पर्श की अनुभूति वाले जीवों से श्रेष्ठ है जिसने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है वे स्वाद की अनुभूति वालों से श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने श्रवण की अनुभूति विकसित कर ली है, वो गंध की अनुभूति से भी श्रेष्ठ हैं। तो कई बार कई जीव जो है क्रमिक विकास हो रहा है ये यहाँ पर कई स्पर्श के द्वारा कई उसके पश्चात स्वाद के द्वारा कई स्वाद से गंध के द्वारा गंध से आगे बढ़े तो श्रवण के द्वारा तो क्या कहाँ इसके उदाहरण है जैसे वृक्षों में विकास प्रक्रिया हो रही है स्पर्श का अनुभव वृक्षों में पाया जाता है वृक्ष में स्पर्श का अनुभव होता है मछलियों में स्वादिंद्री है तो मछलियां वृक्षों से श्रेष्ठ कही जा रही है मछलियों से श्रेष्ठ कही गई है मधुमक्खियां हां मछली से भी श्रेष्ठ कही गई है मधुमक्खी क्योंकि उन्होंने गंध की मधुमक्खियां गंध कर सकती हैं और गंध के द्वारा वो अपना जीवन संचालन कर सकती हैं और मधुमक्खियों से श्रेष्ठ कहा जा रहा है सर्प जो घ्राणेन्द्रिय विकसित कर लिए जिसने रात्रि के अंधकार में लुभावनी मेढक की ध्वनि सुनकर वो अपना भोजन प्राप्त कर सकता है तो सांप को समझ में आता है ध्वनि से आ जाता है तो मनुष्य की यदि हम बात करें इसी क्रम में जीव हो गई चाहे ध्वनि के लिए घ्रीय हो गई इसलिए जीवा के प्रयोग के लिए कहा गया स्वाद हो गई स्पर्श हो गई मनुष्य के लिए जितनी आवश्यकता है, है। मनुष्य मछली से सर्प से वृक्ष से मधुमक्खी से श्रेष्ठ है और शिल प्रोपात कहते हैं जीव का जीवा का सबसे सदुपयोग क्या हो सकता है भगवान का भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करना तो तब क्रूर काल के हाथों से रक्षा हो सकती है क्यों क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भेद बुद्धि रखते हैं उनको क्रूर काल का भय बना रहता है तो अब कहा जा रहा है श्लोक संख्या तीस में रूप भेद विद्र ततशोभ यद यत बहु पदा श्रेष्ठा द्विपाद अब उसके पश्चात ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं, इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य बताए गए तो क्रमिक विकास की श्रृंखला वास्तव में यह होती है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या कहा है? जैसे कौवे है कौवे जैसे कुछ पक्षी शिला प्रपात कहते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं जो मक्खियां होती हैं एक पीले रंग के जिन्हें बर्रे कहते हैं शिल प्रोपात ने यहाँ शब्द प्रयोग किया है बर्रे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ हो गए जो चार पैर वाले पशु हो गए अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ हैं और पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है क्योंकि उसके केवल दो पैर होते हैं तो क्रमिक गति के इस विकास को समझने में हमें तनिक भी कठिनाई होनी नहीं होनी चाहिए इसमें कोई तत्व नहीं है ये फैक्ट्स हैं ये पंक्तियां हैं जो हमें स्मरण होनी चाहिए तत्पश्चात ततो वर्णाश्च चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः हरे कृष्ण क्षमा कीजिए तथो तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण जो अभियात मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया गया है वह सर्वोत्तम समाज है ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है और वेदक के ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। पुनः तो व्यवस्था जहां से आरंभ हुई है उसके क्रमिक विकास में पहुंचते हुए जब मनुष्य समाज में पहुंचती है तो क्या कहा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र वाली जो बात आती है जो समाज में गुण कर्म समाज के लिए पहली पंक्ति यहाँ पर कपिल भगवान ने कही है मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है भगवान ने कहा का है भगवत गीता अध्याय चार श्लोक संख्या तेरह इन श्लोकों का अध्याय और संख्या बताने से हमारी स्मृति में ये प्रामाणिक ज्ञान रहेगा कि ये कोई कपोल कल्पित तथ्य नहीं प्रस्तुत किए जा रहे है, ये हैं ये वास्तव में सत्य है क्या कहा जा रहा है ये जो वर्तमान जाति प्रथा है शिल प्रोपात लिखते हैं ये दूषित हो चुकी है लेकिन जो प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है स्वाध्याय में रत वर्ग योद्धा वर्ग व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग वास्तव में ने कहा था सभी श्रमिक है एक दृष्टि से सभी श्रमिक है सभी शुद्ध है तो सभी प्रकार का विवाद ही समाप्त हो जाए लेकिन स्वभाव को हम नहीं बदल सकते एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई संतानों का स्वभाव अलग अलग होता है किसी की रुचि एक्शन वाले जो आ, खेल होते हैं उद्योग होते हैं उनमें होती है कोई शांत भाव का होता है तो हम स्वभाव बदल ही नहीं सकते चाहे हम कितनी भी बड़ी समता की बात करें इसलिए शिल प्रभुपाद ने व्यवहारिक बिंदु जो भगवान ने बताया उसको उद्धृत करते हुए कहा गुण कर्म और स्वभाव जैसे हम कर्म कर रहे हैं प्रयासपूर्वक जैसा हमारा गुण पिछले जन्मों का संसर्ग है और जैसा अभी हमारा इन दोनों के मिश्रण से स्वभाव बन रहा है या परिस्थिति स्वभाव बन रहा है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो गुण कर्म और स्वभाव की बात इस संदर्भ में आती है तो क्या कहा जा रहा है जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और वेदों का अध्ययन करने का सार क्या हुआ वेद में महिमा किसकी सुनाई जा रही है ऋग्वेद की रचाओं में सामवेद यजुर्वेद जिन सूत्रों के द्वारा प्रसन्न करने की जिनको बात हो रही है जिन विभूतियों को जिन महान आत्माओं को और उनको सबके लिए अध्याय पांच श्लोक संख्या संख्यास भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं हूं भोक्ता परम भोक्ता समस्त यज्ञों का समस्त प्राणियों का सुहृदय हितैषी मैं हूं तो वेद अध्ययन करना अच्छी बात है पर वेदों का सार जिसे पता है कपिल भगवान कहते हैं वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है जो समझता है परम सत्य को कि ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन अवस्था रूप में है, और भगवान शब्द का अर्थ क्या है वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव कहा जाता है तो ये जीवों के स्तर की श्रृंखला कहाँ से आरंभ हुए स्पर्श इंद्रिय की अनुभूति से स्पर्श से स्वाद से गंध से बढ़ते हुए ये यहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी अंततः तक कहा आती है वैष्णव भक्त की बात हो रही है तत्पश्चात श्लोक संख्या बत्तीस में अर्थ ज्ञात संशय क्षेत्र तथा श्रेयान स्व कर्मकृत संगस्तो तो भूयान अदोग्धा धर्मम आत्मन वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है तो यह क्रमिक विकास है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है वो उससे भी श्रेष्ठ कहा गया है कहाँ से वेदों को समझना अच्छी बात है वे, वेद पढ़ना अच्छी बात है वेदों का सार समझना अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान इसका अंतर समझना इन तीन अवस्थाओं का इसके पश्चात जो समस्त संशयों को दूर कर दे अभी तक ज्ञान की बात हुई जो समस्त संशयों का निवारण कर दे वो श्रेष्ठ हुआ इस स्तर तक अब जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करे वो संशय निवारण करने की बात कहने वाले से भी श्रेष्ठ हुआ और नियम का पालन करते हुए कई बार हम नियम में इतने आबद्ध हो जाते हैं कि वही हमारा अहंकार बनता है मैं तो प्रतिदिन साढ़े चार बजे उठता हूं उठती हूं मैं तो प्रतिदिन सोलह माला मैंने तो बिना नहाए बिना सोलह माला किए कभी पानी नहीं पिया है तो ये भी एक प्रकार का सतत अहंकार सत का अहंकार हो जाता है केवल एकमात्र अहंकार स्वीकृत है भगवान की दृष्टि में मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है और इस कर्म से जो कार्य करता है अन्यथा भौतिक कलमश से युक्त होने की स्थिति आ ही जाती है तो नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले से श्रेष्ठ कौन है वो जो कि समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त है और एक बार समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त जो होता है वो जब भक्ति में लगता है शुद्ध भक्त बन जाता है निष्काम भाव से कर्म करते हुए तो शिल प्रोपात कहते हैं वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण है ब्राह्मण शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर उनसे लेना है जो स्वाध्याय में रथ हैं जो समाज को मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास रत हैं तो जो वैष्णव बन जाता है वो ज्ञान भी जानता है अन्यों को उपदेश भी देता है वह हर वस्तु में परम सत्य की अनुभूति करता है वह सर्वोच्च श्रेणी में रहने के इस प्रयास में स्वयं को बिना किसी आसक्ति के भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भक्तिमय कर्म में उदृत रहता है तत्पश्चात श्लोक संख्या तैतीस में तो ये 28 से चौंतीस तक जीवों के स्तर की बात चल रही है श्लोक संख्या तैतीस में तस्मात्मय अर्पित शेष क्रियार्थ आत्मनिरंतरम मैयर पितात्मना पुन्सो मैसंन्यस्त कर्मणा न पश्यामी परम्भुतम् आकर्तु समदर्शनात अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है तो भगवान मुझे कौन कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कपिल कह रहे हैं स्वयं के बारे में कह रहे हैं जो इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान कपिल स्वयं के विस्तार रूप में माता होती के मंगल में भाग्य को और पुष्ट करने के लिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस प्रकार अवतरित होकर इस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो कपिल भगवान यहाँ पर कहते हैं मुझे उससे बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी में रुचि नहीं रखता चाहे सूरदास हुए हो चाहे मीराबाई चाहे तुलसीदास जी हुए हो चाहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए हैं हमारे इन आचार्यों ने भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर हुए हुए हो हो चाहे जिन्होंने भी वैष्णव भजन लिखे हैं जो भी वैष्णव भजन हम गुरु शिष्य परंपरा के इन आचार्यों के जब हम श्रवण करते हैं केवल उसका अनुवाद पढ़ ले हम तो हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है कि उनकी चेतना की गहराई भगवान के साथ उनके संबंध कितने दृढ़ और प्रगाढ़ कुछ नहीं चाहिए मई संस्त कर्मण भक्त मेरे लिए कर्म करता है मई अर्पिताम मुझे अर्पित करता है तो इस श्लोक के अनुसार ऐसा ऐसा जो जीव है वो मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है तो इस पूरी श्रृंखला का अंतिम श्लोक है और आज के सत्र का भी अंतिम श्लोक रहेगा श्लोक संख्या चौंतीस इसमें कहा गया है मनस मनसा एतानी भूतानी प्रणमेत बहुमान ती ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं क्यों भगवान को ऐसा जीव सर्वोपरि लगता है हमें इस बात की जिज्ञासा जिज्ञास भगवान क्या चाटुकारिता करवाना चाहते हैं जो मेरा नाम लेगा जो मेरी भक्ति करेगा जो मुझे भोग अर्पित करेगा ये बिल्कुल सामान्य प्राणियों जैसा व्यवहार है नहीं भगवान यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं ये पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है जो ऐसा आचरण करेगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा वो इस श्लोक में कहा गया है ऐसा जीव प्रत्येक जीव को प्रणाम करेगा क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट है तो भगवान ने जिस चीज का निर्माण किया है उसका जो सम्मान करे वास्तव में भगवान का सम्मान करने का भगवान की सेवा करने का भगवान को समर्पण करने का अर्थ हुआ प्राणी मात्र में नहीं जीव मात्र में अंश मात्र में कण मात्र में भगवान का दर्शन करना और इसलिए ऐसे जीव के लिए ऐसे भक्त के लिए शुद्ध भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे सर्वोत्कृष्ट मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी लगता है तो कभी हमसे कोई पूछे तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सही बात है हमारे समस्त आचार्य कहते हैं शास्त्र कहते हैं भगवान की सेवा करो भगवान की शरणागति रहो भगवान की कृपा प्राप्त करो भगवान के सेवक बनो क्यों भगवान को क्या कोई अकाल पड़ा है अपनी सेवा करवाने का नहीं इसका अर्थ ये होता है कि जो सब कुछ भगवान को समर्पित करके रखते हैं वो सब जगह भगवान के प्रति कृतज्ञ और प्रेम का अनुभव करते हैं तो वो समस्त चर अचर के साथ स्नेहपूर्ण संबंध में रहेंगे हमने कुछ बनाया एक छोटा बच्चा ड्राइंग भी बनाता है तो वो चाहता है साथ व्यवहार करें स्नेह के साथ व्यवहार करें कृतज्ञता पूर्वक व्यवहार करें कहाँ से आ रहा है ये भाव ये सब कुछ भगवान से उद्भव है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है भगवान के बिना और जब जीव अपने आप को ये समझ पाता है तो वो समस्त चर अचर सर्वत्र भगवान की सर्व व्यापकता का अनुभव कर पाता है और इसलिए भगवान ऐसे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है लेकिन पुनः भगवान का मंदिर प्रत्येक शरीर को मान लेने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हमें मंदिरों की अलग से आवश्यकता नहीं है हमने सतत कृष्ण चेतना में स्मरण बनाए रखने के लिए मंदिरों की आवश्यकताओं को पिछले सत्रों में पिछले श्लोकों में प्रणाय तो तथ्य की कभी कुतर्क नहीं निकालने हैं इस शरीर को मंदिर मानिए मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर इस शरीर का महत्व भी हमें कुछ समय पश्चात ज्ञात नहीं रहेगा क्योंकि क्या है विकार और भौतिक गुण इस मन को दूषित कर देंगे यदि भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं होंगे नियमित रूप से तो मंदिर अत्यंत आवश्यक है प्रबुद्ध चेतना के लिए आवश्यक है स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है प्राणी मात्र में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम और कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार परोपकार मानवता दयालुता के लिए आवश्यक है मंदिर बहुत आवश्यक है पर क्रमशः विकास का वो जो स्तर है उसमें कहा जा रहा है कि केवल मंदिर में भगवान नहीं दिखे प्राणी मात्र में भगवान दिखे ऐसे व्यक्ति को भगवान कपिल कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है तो इसी के साथ यहाँ का आज का सत्र यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और श्लोक संख्या 35 से लेकर 45 तक समय के स्वभाव के बारे में कहा गया है जिसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप सभी का इन व्यवहारिक बिंदुओं पर विचार करें और यदि किसी प्रकार की का विरोधाभास हो कोई बात से सहमति नहीं हो तो आप निश्चित रूप से हमें सूचित कर सकते हैं शब्द व्यासदेव के हैं विभिन्न आचार्यों विभिन्न विद्वजनों के संवादों के हैं तात्पर्यपूर्ण व्याख्या शिल प्रभुपाद ने की है और यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो वो निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत त्रुटि होगी आचार्यों हो की शिल प्रभुपाद की और अः भागवतम के इन श्लोकों की कोई त्रुटि नहीं हो सकती तो यदि कोई विषय मेरे द्वारा स्पष्ट लगे तो आप निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीमद भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्ण